गाइस, दिस इज वेलकम टू माय चैनल मैथमेट्रिक। आज भी हम परसेंटेज के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे बट टूडेट इम्पॉर्टेंट कम्पेटिटिव एग्जाम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम ये स्टेटमेंट समझ लेते हैं तो जब आपको इस स्टेटमेंट की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी इनशाला सो वट इज स्टेटमेंट 16 इज 20 परसेंट ऑफ 80. 16 जो है वो 80 का 20 फीसद है अब यहां पर 16 क्या है 20 फीसद क्या है 80 क्या है चलिए वन बाय वन ये देखते हैं हेयर 16 इज अवर पार्ट 20 इज परसेंट एंड 80 इज टोटल इसका क्या मतलब हुआ जी इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि 16 जो है वो 80 का 20 फीसद हिस्सा है होप सो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं व्यूवर्स आज मैं आपके साथ कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से मोस्ट कॉमन थ्री टाइप्स के जो क्वेश्चन है परसेंटेज से रिलेटेड वो डिस्कस करूंगी वन बाय वन और उसके डिफरेंट मेथड डिस्कस करूंगी तो फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास जो क्वेश्चन की वो क्या है सिक्सटीन इज व्हाट परसेंट ऑफ एटी ओके okay? यहां पर जो है परसेंटेज जो है वो अनॉन है इस स्टेटमेंट में हमने वो फाइंड आउट करनी है नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी जो है, वो क्या है? 16 20 इस स्टेटमेंट में हमारा टोटल जो है वो अन है ओके लास्ट टाइप जो है हमारे पास वो है वट टाइप इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ एटी और यहां पर इस स्टेटमेंट में हमारा पार्ट अन है ओके वन बाय वन आप देखें फर्स्ट जो है टाइप उसमें हमारी परसेंटेज अननोन है सेकंड टाइप में हमारे पास टोटल अननोन है और थर्ड टाइप में हमारे पास जो है पार्ट अननोन है चलिए अब इनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं जी जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास दैट इज सिक्सटीन इज वट परसेंट ऑफ एटी यहाँ पर हमारी परसेंटेज जो है वो अननोन है सो so, व्यूवर एक फार्मूला मैं आपको दे रही हूँ एज अ टिप कि आप याद कर लें इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे वही फार्मूला बेसिकली यूज होगा ओके okay? और वो फार्मूला है परसेंट इज इक्वल टू पार्ट बाय टोटल परसेंट इज इक्वल टू पार्ट बाय टोटल यानी अब यहां पर हमारे पास चूंकि परसेंटेज जो है वो अननोन है हम यहाँ पर एक्स लिखेंगे इज इक्वल पार्ट हमारे पास सिक्सटीन है और टोटल हमारे पास जो है स्टेटमेंट में वो एटी के इक्वल है तो हम इसको सॉल्व करते हैं x परसेंट का मतलब है जब हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये मैं अपनी फर्स्ट जो वीडियो है उसमें डिस्क्राइब कर चुकी हूं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं सेम so, है हम इसको जब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे x परसेंट को दैट इज एक्स बाय वन हंड्रेड विच इज इक्वल टू सिक्सटीन बाय एटी अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे जो हमारा हंड्रेड है वो डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर वो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो जब हम इसको 16 बाय एटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 का जीरो 100 के ज़ीरो से कैंसल आउट हो जाएगा एटी टू ज़ार सिक्सटीन एंड टू टेन ज़ार ट्वेंटी इट मीन्स कि जो एक्स है हमारे पास वो क्या है 20 है हमारी जो परसेंटेज जो अन वैल्यू थी विच इज़ ट्वेंटी परसेंट और स्टेटमेंट क्या है हमारे पास सिक्सटीन इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ एटी ओके नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सिक्सटीन इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ वर्ट यहाँ पर अब इस स्टेटमेंट में हमारा जो है टोटल मिसिंग है बेसिकली फार्मूला वही यूज होगा परसेंट इज इक्वल टू पार्ट ऑवर टोटल अब परसेंट जो है वो हमारे पास क्या है ट्वेंटी परसेंट पार्ट की जगह हम 16 लिखेंगे और टोटल जो है वो अननोन है उसकी जगह एक्स लिखेंगे आप एक्स वाई जी कुछ भी लिख सकते हैं ओके okay. 20 परसेंट को जब हम आप uh, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास होगा 20 बाय वन हंड्रेड इज इक्वल टू सिक्सटीन बाय एक्स इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एक्स को साइड पर ले जाएंगे और 20 बाय वन हंड्रेड जब दूसरी साइड पे आएगा तो वो 100 बाय ट्वेंटी हो जाएगा इसकी जब कैंसिलेशन होगी तो ज़ीरो ट्वेंटी uh, का जीरो हंड्रेड के जीरो से कैंसल आउट हो जाएगा और ट्वेंटी एट ज़ार सिक्सटीन एट को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन एट ज़ार यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू uh, थी यानी जो unknown था वो 80 के है। It means 16 is 20 of 80. Okay? चलें जी की तरफ करते हैं। ये दो टाइप, आप सो आपको बहुत अच्छे से clear हो अगर आपको किसी किसी भी 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 पर, कहीं पे भी, किसी भी टाइप में problem है, तो आप मेरी वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और आपको ये दोबारा से जब आप देखेंगे तो मजीद क्लियरिफाई हो जाएगा इंशाल्लाह वेल मूव टू नेक्स्ट टाइप थर्ड टाइप इज वट इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ एटी के ट्वेंटी परसेंट जो है एटी का वो क्या होगा ठीक है अब यहाँ पर व्यवर्स uh, मैं आपको इस स्टेटमेंट की मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना सिखा रही हूँ इसको बहुत अच्छे से गौर से देखिएगा जो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कलर से शो कराया हुआ है तो जरा उसको फोकस कीजिएगा सो so, वट की जगह हमेशा जो हमारी अनऑन वेल्यू होती है वो यूज होगी यानी हम यहाँ पर एक्स यूज करेंगे क्योंकि हमने ये फाइंड आउट करना है इस की जगह पर हमेशा इक्वल का साइन आता है ठीक है 20% की जगह जब हम उसकी फ्रिक्शनल फॉर्म लिखेंगे विच इज इक्वल टू 20 बाय 100। हंड्रेड ऑफ की जगह पर हमेशा मल्टीप्लाई का साइन आता है व्यूवर्स ये हमेशा याद रखिएगा कि जिस भी स्टेटमेंट में ऑफ होगा आपने वहां पर उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है सिंपल और 80 जो है वो हमारा टोटल है ओके okay. अब इस स्टेटमेंट को इस टाइप को सॉल्व करने के तीन मेथड हैं वो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी सो फर्स्ट मेथड इज़ ट्रेडिशनल मेथड ट्रेडिशनल मेथड वही मेथड जो हम अर्ली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जब हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है किसी भी नंबर की तो हम क्या करेंगे लाइक like यहाँ पर है ट्वेंटी परसेंट ऑफ एटी तो हम क्या करेंगे ट्वेंटी बाय वन हंड्रेड को मल्टीप्लाई कर देंगे एटी से सिम्पल तो so इसकी सिंप्लीफ़िकेशन तो बहुत आसान है कि हम जीरो जो है हमारे पास जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे टू को हम एट से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज़ इक्वल्स टू सिक्सटीन इसकी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है हमने ट्वेंटी परसेंट फाइंड आउट किया फोर्टी टू का तो ट्वेंटी बाय वन हंड्रेड को मल्टीप्लाई किया फोर्टी टू से तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो जीरो जीरो से कैंसल हो गया ट्वेंटी का जीरो हंड्रेड के जीरो से कैंसिल हो गया टू को जब हमने फोर्टी टू से मल्टीप्लाई किया तो एटी फोर आया और एटी फोर और उसके डिवाइजर में टेन है जब 84 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.4। अब इस तरह के क्वेश्चन जो है वो टाइम टेकिंग है इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है यानी कि इसकी फास्ट कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं गाइस जो सेकंड मेथड है हमारे पास वो इजी भी है ट्रेडिशनल मेथड से और उसकी कैलकुलेशन फास्ट भी है चलिए देखते हैं उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को सेकेंड मैथड है हमारे पास डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड अब इसमें क्या है हमारे पास जो स्टेटमेंट है ट्वेंटी ऑफ एटी आपको सोल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं

अब हम क्या करेंगे 20 को 42 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 840। अगर 2 को जस्ट 42 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 84। लेकिन ये अगर अब यहाँ पर आप अपनी कॉमन सेंस यूज करें तो हमने 42 हमारा टोटल क्या है 42, 42 का 20 परसेंट लेना है सो so ये ऑब्वियस सी बात है कि जो 42 का 20 परसेंट होगा वो लेस देन ही होगा 42 से तो ना 840 इसका 20% परसेंट हो सकता ना ही 84 हो सकता यानी ये दोनों जो हैं 42 से बड़े हैं सो so, हम क्या करेंगे 84 में एक पॉइंट प्लेस कर देंगे 8 और 4 के दरमियान। तो हमारे पास जो होगा रिजल्ट वो होगा 8.4 पॉइंट राइट आंसर होगा तो ये देखें इस तरह से इस मैथड से आपने कितना क्विकली रिजल्ट जेनरेट कर लिया तो एग्जाम्स के लिहाज से ये बहुत बेस्ट मैथड है अच्छा थर्ड मैथड की तरफ हम तब मूव करते हैं जब हमारे टर्म्स है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाए जिसकी मल्टीप्लीकेशन मुश्किल हो टाइम टेकिंग हो फिर हम सिप्लिटिंग मैथड की तरफ जाते हैं थर्ड मैथड हमारा है सिप्लिटिंग मैथड सिप्लीटिंग मैथड में जैसे हमारे पास स्टेटमेंट है 59% of 45. ऑफ़ अब 59 और 45 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप 59% को स्प्लिट कर दें अगर आप करना चाहें तो 45 को भी कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर परसेंटेज को स्प्लिट किया है 59 को मैंने स्प्लिट कैसे किया 60 माइनस वन परसेंट ऑफ 45 आफ्टर स्प्लिटिंग परसेंटेज अब वन बाय वन हम क्या करेंगे इनकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे सिक्सटी परसेंट ऑफ फोर्टी फाइव कैसे कैलकुलेट करेंगे वही जो हमारा मल्टीप्लीकेशन मैथड उसी को यूटिलाइज करेंगे इन एक्चुअली ये मल्टीप्लीकेशन मैथड ही है बट हम क्या कर रहे हैं थ्रू सिप्लेटिंग मैथडी सिप्लेट करके उसकी आगे से परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो सिक्सटी परसेंट ऑफ फोर्टी फाइव जो है सिक्सटी को जब फोर्टी फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी सेवन हंड्रेड आता है वही बात दोबारा रिपीट करूंगी कि ट्वेंटी सेवन हंड्रेड इज ग्रेटर देन फोर्टी फाइव तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि सिक्सटी परसेंट ऑफ फोर्टी फाइव ट्वेंटी सेवन हंड्रेड हो और ना ही टू सेवेंटी हो सकता तो हम क्या करेंगे दोनों जो लास्ट वाले जीरो उनको इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास फिगर क्या होगा ट्वेंटी सेवन यानी कि ट्वेंटी सेवन जो है वो सिक्सटी परसेंट है फोर्टी फाइव का इसी तरह वन परसेंट 45 फोर्टी फाइव जो है वो जीरो पॉइंट फोर फाइव होगा बिकॉज हंड्रेड परसेंट जो है वो फोर्टी फाइव है टेन परसेंट फोर पॉइंट फाइव होगा और वन परसेंट क्या होगा जीरो पॉइंट फोर फाइव अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं जो हमारी परसेंटेज है 60% ऑफ 45 एंड 1% परसेंट ऑफ फोर्टी दोनों को माइनस कर देते हैं 27 में से 0.45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा तो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा 26.55। होप सो so, आपने इन तीनों मेथड्स को अच्छे तरीके से समझा होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होप यू गाइज विल लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अल्लाह